दोस्तों अगर हमें जाना है गैंथिंग हाईलैंड फ्रॉम टीबीएस बस स्टॉप या फिर गैंथिंग हाईलैंड कैसे जाएं, तो आप लोग किसी टैक्सी या ग्रैब का सहारा मत लें, क्योंकि यहाँ से 10 रिंगिट लगता है गैंथिंग हाईलैंड जाने के लिए। तो कि गाइस अभी हम टिकट ले लिए गैंथिंग हाईलैंड जाने के लिए। अभी आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आओ गैंथिंग हाईलैंड या किधर भी ट्रैवल करने के लिए, आप ऐसे काउंटर पे जाइए और टिकट लीजिए। टिकट लेके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम टीवीएस टू गैंथिंग। थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो बस स्टॉप है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे आप लोग आने के लिए थोड़ा भी मतलब कि उल्टा पुल्टा काम मतलब इधर उधर घूमना वगैरह सब मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से भूख लग गई है घंटे के बाद। फिर कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, अभी ढूंढ रहा हूँ कि कोई दुकान खुला है तो कुछ ले। तो कहीं भी जाना है यहाँ से फ्रॉम टीवीएस दादरा ऑन प्लेस इन मलेशिया, यू कैन टेक ए फ्रॉम बस। हमारी एंट्री हो चुकी है और बस भी आने के लिए तकरीबन 20 मिनट बाकी। अभी घूमने आओ यहाँ पे गैंथिंग हाईलैंड में, तो आपको कैसे गैंथिंग हाईलैंड से बाइक केबल कार से आपको यहाँ पे घूमना है, पहले इस तरह का लोकेशन मिलेगा। ठीक है, इस तरह का लोकेशन मिलेगा तो आप लोग यहाँ पे आके सीधा काउंटर में जाएगा। यहाँ पे एक मोबाइल एटीएम होता है जो बड़ी स्क्रीन एटीएम जैसा होगा, वहाँ पे जाके अपना खुद बाई सेल्फ टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप जाएंगे काउंटर पर लेने के लिए तो लोगों को मालूम पड़ता है हम फॉरनर हैं, तो लोग क्या करते हैं टिकट जो है कि बहुत जो 20 रिंगिट टिकट रहेगा वो सीधा 50 रिंगिट देते हैं, ऐसा है यहाँ पे। मैंने खुद ऐसा रियलाइज़ किया हूँ और ख़ुद मैं ऐसा किया जाके वहाँ पे काउंटर पता किया है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, बाय सेल्फ आप लोग टिकट बुक कर सकते हो। चॉइस कीजिएगा इंग्लिश, इसके बाद एस रिटर्न आना है तो चॉइस करेंगे 1, 2, 3, 4%। तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, प्रोसेस होने के लिए वेट करेंगे। मेरे पास कार्ड नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। टिकट सी का है तो हम लोग सी लाइन में जाएंगे। ये हो गया सी लाइन, तो स्कैन कीजिएगा यूँ और निकल जाइए। थैंक यू। हाल में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं केबल कार के अंदर। मोची के ताव दे रहे थे ना, मोचे ताव दे रहे थे, अभी जब जाएगा ऊपर हिलेगी ना तो ताव क्या होगा मालूम पड़ जाएगा।
आप लोग जब भी आओ गेंटिंग हाइलैंड घूमने के लिए, अंदर घूमने के बाद गेंटिंग हाइलैंड के अंदर बिल्डिंग के अंदर घूमने के बाद कैसिनो जो है वो देखने के बाद एक बार आप लोग ज़रूर लिफ्ट के थ्रू पार्किंग में आइए, जी फ्लोर में आइए। जी फ्लोर से आउटसाइड आके जब आएंगे तो आप इस जगह पे आएंगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और आप लोगों को ये व्यू दिखा रहा हूँ। ये व्यू मिलना देखना शायद नसीब वालों को होता है, क्योंकि मैं तीसरी बार आया हूँ, ऐसा चांस नहीं मिला था मुझे घूमने के लिए। ये चांस मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, वो भी तीसरी बार ट्रैवल जब मैं करके आया यहाँ पे। आप लोग खुद ही देख लीजिए, ऑसम, जिसको बोलते हैं ऑसम, ऑसम है ये व्यू, इन्जॉय कीजिए। दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।